बस ये इसको ऐसे 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 लगाओ, ओ इतना ठंडा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम मरहबा दोस्तों, वेलकम बैक टू अगेन दिल्ली शहर ब्लॉग। तो दोस्तों वैक्सीन लेके आके अभी हमको 24 घंटा हो गया है और 10:25 टाइम हो रहा है। अभी हमारे साथ क्या क्या हो रहा है मैं वो शेयर करूंगा आपके साथ। और जो मैं हाथ पे जिस हाथ पे जो वैक्सीन लिया था ना, वो हाथ थोड़ा सा बस जहाँ पे ये वैक्सीन लिया हुआ है ना इस जगह पे, तो बस थोड़ा सा दर्द है और कुछ नहीं है। बाकी का तो मेरे को कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे एक दोस्त को जो है जाड़ा बुखार बुखार आ गया रात में। और हमारे और एक सोहेल भाई जो है जो सफ़ेद ड्रेस में थे, उनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन अरशद भाई को थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई और मेरे को भी कुछ नहीं हुआ। इसमें क्या मायने रखता है, यानी कि आपको विटामिन सी खाते रहना, यानी कि बुर्तुकाल ऑरेंज जो होता है वो खाते रहना चाहिए, उससे आपको ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह तो अभी मैं लिया हूँ हॉट शावर, हॉट हॉट गर्म वाला पानी से, थोड़ा पानी गर्म वाला पानी यहाँ पे ज़्यादा डाला हूँ मैं, क्योंकि ये दर्द जो है लूज़ हो जाए। तो पेन तो जा रहा है धीरे धीरे, मैं सिर्फ कल 2 पैनाडोल खाया था, उसके अलावा और कुछ नहीं खाया हूँ। तो ये लो आया, आ गया हमारा समसा से क्या बोलते हैं पार्सल, तो इसको अभी ओपन करते हैं, अनबॉक्स करते हैं। जा भाई बरकतिल्ला उल्ला भाई, गर्मी सऊदी अरब में इतनी हो रही है ना, अभी गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि जब तुम सेहत एप्लीकेशन से जब इसका पर्व ये ले, सब कुछ होने के बाद में आपका जो है आपको आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा, यानी कि वो आपका रिपोर्ट मिल जाएगा। उसके बाद में वहां पर आपको फिर से एक ऑप्शन देगा सिम्टम्स बताओ। तो आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो वहां पर आपको क्या हो रहा है वहां पर टच करते हुए ना उसको सबमिट कर सकते हैं, अगर हो सकता है वो लोग आपका इलाज करें। अगर आपको ज्यादा दर्द हो रहा है ना जहाँ पे आपको वैक्सीन लगी है, ये है बर्फ का बर्फ, ठीक है बर्फ, इससे इसको है ना इसे लगड़ना चाहिए। मैं अभी तक तो लगड़ा नहीं हूँ, तो हमारे सुहेल भाई बोले बर्फ लगाओ उसको अगर दर्द ज्यादा हो रहा है। मेरे को ज्यादा नहीं है, बस ये एरिया में थोड़ा सा जाम जाम लगता है, इंशाल्लाह ये सब चला जाएगा। मैं जो जो हो रहा हूँ आपको सच्चाई बता रहा हूँ, बाकी का मेरे को ना बुखार वुखार कुछ भी नहीं हुआ भाई, कुछ भी नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। बस ये इसको ऐसे 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 लगाओ, ओ इतना ठंडा इतना ठंडा इतना ठंडा यार। वेलकम बैक दोस्तों, अब्दुल्ला भाई के साथ आज फिर से हम आ गए सुलेमान अल हबीब। ये देख सकते हैं सुलेमान अल हबीब हॉस्पिटल। यहाँ पर आने की क्या वजह है बोले तो, इनके दादा जो है ना इसी में एडमिट है। तो ये देखो इनके लिए सामान खाना वीना जो भी होता है वो सब लेकर के हम आए हैं। अभी अभी जाएंगे ऊपर और उनको देंगे, पता नहीं वो कौन से कहाँ है, उनको फोन करना पड़ेगा जाकर के। इंशाल्लाह चलते हैं अंदर, चलो अंदर चलो चलो। अबू सब हम दे दिए, अभी वापस जाना पड़ रहा है क्योंकि पेशेंट के साथ यहाँ पर रुकना मुश्किल है, वापस ही में। अस्सलाम वालेकुम, सलाम अल्हम्दुलिल्लाह, नीचे आ गए, नीचे आ गए, अभी चलते हैं रूम को। लोग बोलेंगे भाई कल का वीडियो आप लगा दिए, कल का नहीं है, आज का ताज़ा फ्रेश वीडियो ही है। हैं अभी जाएंगे दुकान को, वहाँ से लेना है लेबन, लेबन लेके और जाएंगे घर। चलो जी, यहाँ से लेना है लेबन, उस स्त्री पुर्तगाल, माशाल्लाह यल्ला। क्या अजीब व गरीब लोग है भाई, इतना काम कर रहे हैं फिर भी बोलते हैं सोरा सोरा। ये सोरा सोरा क्या होता है यार, इसका कोई मतलब बताएगा मेरे को कमेंट करके, कमेंट करके बताना जरूर, सोरा सोरा क्या होता है, किसको बोलते हैं सोरा सोरा, क्योंकि भाई प्रॉब्लम है सोरा सोरा का बहुत बड़ा। ये देखो ड्राइवर बदल रहे इधर, माशाल्लाह गाड़ी में ड्राइवर साहब बदल गए। तो दोस्तों ये है आज का दिन हमारा, मगरिब होने को है अभी, तो सामान लेकर के जा रहा हूँ, काम तो अपना कंटिन्यू है, काम रुकने वाला नहीं है, ना ही हमको छुट्टी मिलने वाला है कभी। अगर ड्राइविंग में आना चाहते हैं, हाउस ड्राइविंग में खास करके, बहुत सोच समझ के आना, आपको कभी छुट्टी नहीं मिलेगा इधर, ईद को भी नहीं मिलेगा छुट्टी हैं, सोच समझ के इधर आना। सऊदी अरब में अगर ड्राइविंग करना है तो, या फिर पहले ही बात करके आना कि हमको छुट्टी चाहिए हफ्ते में एक बार,
तो दोस्तों आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से गया है और वैक्सीन का जो प्रॉब्लम है वो आपको मैं बार बार वो बता रहा हूँ, बस थोड़ा सा हाथ तो उजन उजन लग रहा है और उसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है मेरे को। आप जल्दी से जल्दी ले लीजिए ताकि आप लोगों के लिए भलाई हो। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूं क्योंकि जल्दी जल्दी एडिट करके इसको अपलोड कर देंगे, क्योंकि वीडियो छोटा होने वाला है, ये वीडियो बड़ा नहीं होएगा इंशाल्लाह। कल जुम्मा का दिन है तो देखते हैं, अगर कहीं कल जाने को मिला तो सही है, नहीं तो फिर अल्लाह करीम। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं आपके साथ, मां सलामा, अल्लाह हाफिज़।